अरे लड़की, कहाँ से आए हो? इतना देर से मैं देख रहा था, बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बताओ। सर, मैं बेमेल गांव से आई हूँ, काम की तलाश में आई थी। आप मुझे कोई काम दिला सकते हैं क्या? अच्छा, तो तुम वहाँ से आई हो ना, तो चलो ठीक है, हमारे घर चलो, हमारे घर में काम है, तुम हमारे घर में काम करना, ठीक है? ठीक है फिर, चलो। ठीक है सर, जाऊंगी, चलो चलते हैं। बस आ गया हमारा घर, ये हमारा घर है, ठीक है? हाँ, ये हमारा घर आ गया है, चलो आ जाओ। अरे सारा, सारा घर में नहीं है लग रहा है, चलो आ जाओ। मैं बंद कर देता हूँ, चलो आ जाओ, इधर ही आओ, इधर आ जाओ, चलो सोफा में बैठो, आ जाओ बैठो इधर। चलो आओ बैठो, बैठ जाओ। हाँ, तो अभी शायद नहीं है, अभी घर में नहीं है मेरी पत्नी, है ना? तो वैसे तुम्हारे घर में है कौन 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 है? मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, अनाथ हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब कोई भेजा कि अपने मन से आ गई काम करने? पैसे का बहुत दिक्कत हो रहा था, गांव में कोई काम मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं पे हमारे घर में झाड़ू और पोछा करना है, और जो भी है खाना पीना कपड़ा लत्ता जो है वो सब मैं दूंगा, ठीक है? और एक बात था कि अगर तुम्हारा तो कोई है नहीं, और मेरा भी, मेरे को एक मतलब काम कराना था तुमसे, कि अगर तुम चाहोगी तो कर सकती हो, अगर तुमको मैं इस घर की मालकिन बना दूं तो कैसा रहेगा? और तुम्हें पैसा भी दूंगा, कपड़ा भी दूंगा, और यहाँ पे तुम हर समय परमानेंट के लिए रह सकती हो, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम शॉपिंग कर सकती हो, घूम सकती हो, गाड़ी रहेगा तुम्हारे पास, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। तो उसके लिए मुझे, मेरा एक काम करना पड़ेगा तुमको। एक्चुअली मेरी बीवी के पास 1 करोड़ रुपया है बैंक में, तो उसके डेथ में ही वो मैं ले सकता हूँ या मिल सकता है मुझे, तो मुझे बहुत ज़रूरत है उस पैसे का, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम डेली जब वो सोए रहती है, उसे डेली उसके दूध में थोड़ा सा स्लो पॉइजन आता है, जो एक ड्रग्स है, उसे मिला करके उसको देना है, वो धीरे धीरे मतलब पिएगी, और धीरे धीरे उसके अंदर के ऑर्गन, अंदर के जो पार्ट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे, और फिर वो डेथ हो जाएगी, तो नॉर्मल डेथ लगेगा। उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा, और इस घर की मालकिन बन जाओगी तुम, और फिर हम दोनों यहाँ पे ऐश कर सकते हैं और आराम से रह सकते हैं, मुझे पैसा मिल जाएगा और तुमको ये घर मिल जाएगा, ठीक है? तो आज से ही तुम शुरू कर दो, है ना? वो अभी आई नहीं है, वो आएगी तो फिर तुम उससे मुलाकात करना, ठीक है? क्योंकि फिर मैं अभी तो जा रहा हूँ मैं काम में, मैं बाद में आऊँगा, ठीक है? ठीक है, फिर तुम यहीं पे वेट करो, ठीक है? मैं जाता हूँ, चलो। एक काम तो हो गया, अब वो लड़की अगर मेरी बीवी को मार देती है जहर दे करके, तो उसको तो मैं जेल भेज दूँगा, और उसके बाद पूरे पैसे का मालिक मैं हो जाऊंगा, और इस घर को भी बेच दूंगा, ऐसे भी मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। चलो एक काम तो हो गया, और वो लड़की मेरे बातों में फंस भी गई है। चलो फिर आज के लिए मेरा काम बन गया,
अरे वाह इंदु, तेरी तो किस्मत चमक गई यहाँ आते ही। घर देख रही है कितना बड़ा है, इसकी तू मालकिन बन जाएगी। सही है, बस तुझे एक काम करना पड़ेगा, जो साहब ने बताया है उसको पूरा करना पड़ेगा, वरना ये सब तेरे हाथों से तो चला जाएगा। तो सुन, अपने काम में फोकस कर और बहुत अच्छे से जल्द उस काम को ख़त्म कर, तब तो पूरे इस घर की मालकिन। वाह, बाप रे थक गई हूँ, इतना तेज धूप भी है। बाप रे इतना गर्मी। अरे आप कौन हो? नमस्ते मैडम। नमस्ते, बैठो। मुझे साहब लेके आए हैं, मैं गांव से आई हूँ। अच्छा, मैं स्टेशन पे थी अकेले, पता नहीं यहाँ का एड्रेस तो कहीं क्या है, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं खो जाती। अच्छा हुआ साहब ने मुझे देख लिया, मुझे अपने घर के काम के लिए यहाँ लेके आए हैं। अच्छा, वैसे भी मैं यहाँ अकेला रह के बहुत बोर हो जाती हूँ, तो अच्छा किया साहब जो आपको यहाँ लेकर के आए उन्होंने, क्योंकि मैं तो हमेशा बोर हो जाती हूँ, अकेले ही रहती हूँ ना, तो मुझे भी एक बहन मिल जाएगी। अब से तुम मेरी बहन जैसी हो, ठीक है? मैं आपको पूरा घर का काम समझा दूंगी, ठीक है? मैं आपके घर का सारा काम मैं संभाल लूंगी। ठीक है, चलो। बहन क्या करे तू, उठ। दीदी, दीदी, कोई बात नहीं, चल बैठ, यहाँ बैठ, दिन भर काम करते रहती है तू, बैठ बैठ, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ, दिखाती हूँ, रुक। देख ये सब मैं तेरे लिए लेकर के आई हूँ। दीदी ये तो बहुत महंगी होगी। अरे क्या महंगी महंगी लगा के रखी है तू, अभी शादी में जाना है ना, पहनना है कि नहीं तेरे को? दीदी ये सब मैं कैसे ले सकती हूँ? दीदी क्यों नहीं ले सकती, तू मेरी बहन है ना। दीदी ये तो बहुत महंगी है, मैं कैसे पहन सकती हूँ? नहीं ये सब मैं तेरे लिए लेकर के आई हूँ, तू ही पहनेगी ये सब, शादी में पहन करके जाना है ये सब पार्टी में। दीदी ये साड़ी तो बहुत महंगी लग रही, दीदी मैं कैसे ले सकती हूँ? सिर्फ 3,000 की तो है ये साड़ी। बाप रे 3,000, बाप रे दीदी आप मेरे लिए तो क्यों कर रहे हो? दीदी तू मेरी बहन है ना, तेरे लिए मैं इतना भी नहीं कर सकती। अब मैं आपको क्या बोलूं? ठीक है दीदी मैं पहनूंगी इसको, थैंक यू दीदी। ठीक है कोई बात नहीं, रुक दिखला, मैं तुझे पहना के दिखाती हूँ। दीदी रहने दो ना दीदी। अरे देख कितना प्यारा दिख रहा है तेरे में, कितनी सुंदर दिख रही है, बहुत प्यारा लग रहा है दीदी। देख तुझे जो भी चाहिए रहेगा ना तू मुझे बता देना, ठीक है? कुछ भी कपड़ा पैसा ज्वेलरी कोई भी सामान चाहिए होगा, पैसा भी चाहिए होगा तो मुझे बेझिझक बताना, ठीक है? अभी मैं जिंदा हूँ, ठीक है ना, तुझे जो भी चाहिए मुझे बता देना, ठीक है? मैं तेरे लिए पानी लेकर के आती हूँ। दीदी मैं कितनी अच्छी है, मेरे लिए कितना सोच रही है, और मैं उनके साथ क्या कर रही हूँ? मैं उन्हें मारने पर तुली हूँ? हे भगवान मैं कितना गलत कर रही हूँ, साहब कितने बुरे हैं, इतनी अच्छी पत्नी को मारने की सोच रहे हैं, गलत है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। दीदी कितनी अच्छी है, मुझे कितना प्यार करती हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं दीदी को सब कुछ बता दूंगी, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं दीदी को सब कुछ बता दूंगी कि साहब का क्या प्लान है उनके लिए, बता दूंगी मैं दीदी को। दीदी आप इसको यहाँ रखो, मुझे आपको एक बात बताना है दीदी, मैं आपके साथ बहुत गलत कर रही थी दीदी। अरे कहाँ गए,
अच्छा इधर रूम में है क्या? मुझे माफ कर दो दीदी, मैं आपको धोखा दे रही थी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी। आपको पता है मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपको शायद सुन के बहुत बुरा लगेगा, साहब आपके लिए बहुत गलत सोच रहे हैं दीदी, वो आपको मारना चाहते हैं दीदी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, उन्होंने मुझे कहा था कि आपको धीरे धीरे जहर दें। अरे ये तो मेरे बारे में बता रही है। मैं आपके दूध में जहर मिला मिला के आपको दे रही थी दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो दीदी, प्लीज मुझे मुझे माफ कर दो दीदी, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी, आप इतने अच्छे हो, आप मुझे इतना प्यार करते हो दीदी, मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल इधर बैठ, इधर बैठ। देख सुन, चुप हो जा, तू रो मत, है ना? अगर मेरे मरने से मेरे पति को खुशी मिलती है तो मैं वो उनकी खुशी को पूरा करने के लिए मैं राजी हूँ, है ना? मैं पूरा पैसा, बैंक बैलेंस, घर की पूरी प्रॉपर्टी जितनी भी है ना, सब मैं उनके नाम कर दूंगी, है ना? और मेरे मरने के बाद तुम दोनों शादी कर लेना। नहीं दीदी, आप क्या बोल रहे दीदी, मैं ऐसा नहीं कर सकती दीदी, आपके सुने बस खुश रखना, बस मैं यही चाहती हूँ। नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो सकता दीदी। आमीन। मैंने तुम दोनों का बात सुन लिया था और मैं यहाँ इसलिए ये पूछने आया हूँ कि इतना, मतलब इतना प्यार क्या कोई किससे करता है क्या, और क्यों करता है? जब वो लड़की को ही मैं लाया था कि यहाँ पर वो तुझे मार डालेगी और उसके बाद ये पूरा प्रॉपर्टी और ये पूरा जायदाद मेरा हो जाएगा बोलकर, और लेकिन जब वो तुझे बताई तो तूने पुलिस को भी नहीं बताया या कोई भी ऐसी बात नहीं करी, वो लड़की ही से तूने इतना प्यार किया वो लड़की से कि वो लड़की भी, मतलब वो अपना बात को मन में नहीं रख पाई और तुझे बताई, और इतना प्यार करती है तू मेरे लिए कि मरने के लिए तैयार है, उससे शादी करने बोल रही है और प्रॉपर्टी भी मेरे को दे देगी बोल रही है, इतना प्यार क्यों करती है मेरे से? देखिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि अपने वैरियों से प्यार करो, इतना प्यार करो कि वो तुम्हारे चरणों तले आके झुक जाए, इसलिए मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि मुझे तुझ जैसी पत्नी मिली और तू मुझसे इतना प्यार करती है, और मैं इतना बेवकूफ हूँ कि धन दौलत के पीछे और पैसे के पीछे जो है मैं भाग रहा हूँ, और मैंने अपने जीवन में सिर्फ पैसे को ही प्यार किया, मैं तुझसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन प्रभु से मैं माफ़ी मांगता हूँ और तुझसे भी मैं माफ़ी मांगता हूँ, और आइंदा से कभी मैं ऐसी, मतलब हरकतें नहीं करूँगा जिससे तुझे कोई तकलीफ हो, और मुझे माफ़ कर देना ये सारे बातों के लिए, मुझे माफ़ कर देना, ठीक है? अरे नहीं नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं, मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मैंने बहुत ही गलत काम किया तेरे लिए, मैंने तुझे अपने दिमाग से मारना चाहा, अपने पाप को पूरा करने के लिए मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, और तू भी प्रार्थना करना है मेरे लिए, ठीक है? मुझे, मैं तो आपके लिए प्रार्थना करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, ठीक है? मुझे माफ़ कर दे सारा, मुझे माफ़ कर दे। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार, मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो मूवी में स्वागत करता हूं, और इसी प्रकार के गॉस्पल मूवी बनाने के लिए आप हमारा साथ दें, आपका छोटा सा दान राशि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप हर महीना हमारे लाइव शो अकाउंट नंबर पे मात्र 100 रुपया सेंड करें जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप सभी का प्यार हम पर बना रहे, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।